हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। इसको TSLV बोलते हैं दोस्तों। एक होता है स्टॉप लॉस और एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस इस तरीके से होता है, मैं आपको पहले स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों स्टॉप लॉस इस तरीके से होता है, मान लीजिए आपने कोई भी शेयर यहाँ पर खरीदा, स्टॉप लॉस आप इतना नीचे लगाओगे, लगाती होगी शायद, ठीक है। अब मान लीजिए कि शेयर का प्राइस इतना जाता है, स्टॉप लॉस आपका यहीं पर सेट रहेगा। लेकिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो पता है वो कैसे काम करता है। अब देखो शेयर का प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, आपने खरीद लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है स्टॉप लॉस इसके पीछे यहाँ पर आके लग जाएगा, और ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर और ऊपर लग जाएगा। जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो यहाँ पर आके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतना नीचे आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर अधिक मुनाफा कर सकते हैं। इसमें आप अपने लॉस को साथ ही साथ कम करते जाते हैं, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, तो वो पीछे पीछे चलता जाता है। अब धन एप्लीकेशन में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का किस तरीके से यूज करेंगे, चलिए चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन ओपन करना है। धन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन फ्री में होता है, AMC चार्ज भी लाइफ टाइम के लिए फ्री है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर ऑर्डर्स पर आना है, ठीक है। ऑर्डर्स पर आओगे तो इधर ही आपको पोजीशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आप इधर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कौन कौन से स्टॉक आपके ओपन है। तो अभी इसका आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। तो इंट्राडे में अभी ये ओपन है, अभी मैं इसमें देखता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी आपका ये डिलीवरी में भी यूज हो जाएगा, ठीक है, डिलीवरी में भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसका इंट्राडे में अभी मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इंट्राडे में येस बैंक के मैंने कितने शेयर लिए हुए हैं, टोटल 6 शेयर मैंने लिए हुए हैं। तो अभी मैं इसी पर अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों जब आप क्लिक करोगे तो ये आएगा नेक्स्ट पोजीशन एड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, पहला होगा स्टॉप लॉस का, और दूसरा होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और होगा टारगेट का। तो आपको इधर बीच वाला सिलेक्ट करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कि क्वांटिटी आप कितनी रखने चाहते हैं। तो मैं पूरी की पूरी इधर 6 ही रखना चाहता हूँ। अगर आप इसको घटाकर 5 रखना चाहते हैं या फिर 4 रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको पूरा का पूरा 6 रखना, चलो 6 नहीं, मैं इधर 3 रख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये 3 रख लिया है। अब इसके बाद आता है लिमिट प्राइस। तो आप प्राइस लिमिट रखना चाहते हैं या फिर मार्केट, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर मैंने ये मार्केट प्राइस ही कर दिया। उसके बाद इधर ये ट्रिगर प्राइस आता है, तो आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जो शेयर का प्राइस है तो वो है अभी 15.60 रुपये। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ पूरा 14 रुपये, ठीक है, 14.00। अब उसके बाद दोस्तों ये जंप आता है, यानी कि आप कितना पीछे लगना चाहते हो, आप कितना जंप इसमें सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप भी इधर 2 सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है, तो मैं इसको लेके जाता हूँ 2 तक। तो दोस्तों ये 2 हो गया है। अगर आपका शेयर का प्राइस, ठीक है, 2 जंप करता है, तो ये भी नीचे से 2 ऊपर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इतना सेट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सेल पर क्लिक कर देना है, बस आपका ऑर्डर हो गया। तो अभी आप चाहें तो आप इसको ओपन करके भी यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप TSL या फिर यूँ बोले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अधिक प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।